प्रदेश सरकार जल्द नई स्टार्टअप पॉलिसी तैयार करेगी, जो कि गांव के टैलेंटेड युवाओं को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने व आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर के रूप में साबित होगी। यह बात हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कही। बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में सूचना तकनीकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाएगी, जो कि गांव के टैलेंटेड युवाओं को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने व आर्थिक रूप से संपन्न करने में गेम चेंजर साबित होगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नई स्टार्टअप पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र व छोटे कस्बों के युवाओं को अपनी तकनीक को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि कॉलेज व यूनिवर्सिटी के युवाओं के लिए नए शोध व पेटेंट के क्षेत्र में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पॉलिसी में ऐसा प्रावधान करें जिससे प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के युवाओं को कृषि, डेयरी, बागवानी जैसे क्षेत्र में अपने स्टार्टअप आरंभ करने की सुविधा हो। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने व सब्सिडी का प्रावधान करने के लिए कदम उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि नई स्टार्टअप पॉलिसी राज्य के विकास और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देगी। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट। गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।